जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौसेरा सेक्टर में सोमवार को पाकिस्तानी सेना की ओर से की जा रही फायरिंग में गोरखपुर के गोरखा रेजिमेंट के हवलदार दीपक कार्की 37 वर्ष शहीद हो गए। मंगलवार देर शाम गोरखपुर के राजघाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और इन अधिकारियों ने उन्हें सैनिक सम्मान के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि दीपक नेपाल के रहने वाले थे, गोरखपुर के गोरखा रेजिमेंट में रहते थे। शहीद दीपक का पार्थिव शरीर मंगलवार को देर शाम को गोरखपुर लाया गया। यहां पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान मौके पर सैकड़ों की भीड़ जुट गई थी, वहीं उनके परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था। बता दें कि सोमवार को पाकिस्तानी सेना ने राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था। इस दौरान सीमा पार से भारी गोलाबारी की गई। Thank you.